नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक का आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। विश्व आदिवासी दिवस समारोह जिला मुख्यालय पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था। इसके बाद आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में गुना में भी यह समुदाय कहां पीछे रहने वाला था, यहां पर भी अम्बेडकर भवन में जोर शोर से इस कार्यक्रम को मनाया गया, जिसमें आदिवासी समाज के 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में कोई गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रही। हमें पकौड़ा तलने के लिए और बेरोजगारी के लिए नहीं है, हमको शासन भागीदारी के लिए और ऐसे लोग आएंगे आपको गुमराह करने के लिए। आपका मत, आपका वोट और आप समझदारों किसको देना है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये आपको पहचानना है। आप गुमराह ना हो और अपने विवेक से अपने मत का उपयोग करें। लोगों को दिखता है, जलते हैं लोग बाग कि आदिवासी आगे बढ़ जाएंगे और बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अब ये क्या है, अपन को राजनीति वाली बात करना ही नहीं है। अपन आदिवासी समाज है, आदिवासी को जो भी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे हैं और जो पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी ढंग से मतलब करवाए, पढ़ाई करवाए और एक संगठन मनाते हैं, उसी तरह ये भी हमारा होली से भी कई गुना बढ़कर, दिवाली से भी कई गुना बढ़कर विश्व आदिवासी दिवस है। विज्ञान को काला दिवस के रूप में मनाया गया। आज के दिन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के बाद इन दोनों ही जगह का नाम विश्व मानचित्र से हट गया था। इसके साथ ही वहां पैदा होने वाली पीढ़ियां भी अभी तक जख्मी की मार झेल रही हैं। अमेरिका द्वारा किए गए इस परमाणु हमले की निंदा विश्व के हर कोने में की जा चुकी है। वहीं आज के दिन को विज्ञान का काला दिवस इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है बनाना, ना कि बिगाड़ना। काला दिवस मनाने के कार्यक्रम को छात्र संघ डीएसओ ने आयोजित किया था, जिसके चलते सभी छात्र छात्राओं ने काले रिबन बांधे थे। इसी के साथ सभी छात्र छात्राओं ने हिरोशिमा एवं नागासाकी में मारे गए लोगों एवं पीड़ितों के लिए मौन धारण भी किया। आज पीजी कॉलेज में कॉलेज के छात्रों ने जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था, ये जो मानव नरसंहार हुआ था, इसके खिलाफ में पूरे देश भर में सभी मानव प्रेमी लोगों के द्वारा ये जो इसकी कड़ी निंदा भी की गई है और साथ ही में लाखों करोड़ों लोग जो इस परमाणु बम के शिकार हुए और आज भी उनकी पीढ़ियां जो जेनेटिक रूप से हम लोग देखते हैं कि अगली जो पीढ़ी है उनमें भी वो लक्षण दिखते हैं, उसके रासायनिक प्रभाव दिखते हैं। तो ये लाखों लोगों की जो जान गई वो पिघल गए, टेम्परेचर 5000 के लगभग टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये जो परमाणु बम है इसमें इसका जो उपयोग गलत तरीके से हो रहा है पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में विज्ञान के रूप में, क्योंकि विज्ञान का हमारा मानना है कि विज्ञान का है समाज की प्रगति के लिए, ना कि मानव की, मानव समाज के नुकसान के लिए। तो इसलिए आज ब्लैक डे ऑफ साइंस, विज्ञान के काले दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 6 तारीख को संसद के अंदर जो हमारी लोकसभा स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन ने भी इस पर संवेदनाएं व्यक्त की उन लोगों के प्रति, और साथ ही में पूरे देश में अमन और शांति के लिए अपील की। आज इसी रूम में यहां पर सभी छात्रों को ब्लैक रिबन लगाया गया है और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। तीन दिन पूर्व छात्र संघ डीएसओ ने कॉलेज में छात्रों के भविष्य को देखते हुए सीटें बढ़ाने की मांग रखी थी, जिसके चलते आज एनएसयूआई ने भी डीएसओ के अनुसरण करते हुए कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा।
जिसके माध्यम से कहा गया कि कॉलेज में 10% सीटें और बढ़ाई जाएं और यदि जगह की कमी पड़ती है तो नवीन भवन को भी जल्द ही खुलवा दिया जाए। इसके साथ ही ज्ञापन देते समय NSUI अध्यक्ष कविंद चौहान ने कॉलेज प्रशासन को यह चेतावनी भी दी कि यदि किसी बड़े आदमी या फिर नेता के दबाव में आकर कम प्रतिशत वाले बच्चे का एडमिशन हुआ और ज्यादा प्रतिशत वाला बच्चा एडमिशन से रह गया तो ऐसा एक भी मामला पाए जाने पर NSUI द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा और कॉलेज को भी बंद करवाया जाएगा। छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन दिए हैं, साथ ही में BSc में 250 लोगों ने आवेदन दिए हैं, लेकिन BA में सीट संख्या 171 है। ऐसी मोबाइल 10% में नहीं हो रहा है। BA में 12 लड़के पढ़े हैं BCSC। अगर वो बिल्डिंग पे भी हम कलेक्टर साहब से हम सब लोग बात करेंगे, वो हैंडओवर हो जाए तो अपन वहाँ बैठ जाएंगे। PG कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन दिया गया जिसमें हम लोगों ने 10% सीटें बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एडमिशन से वंचित रह गए हैं, उस कारण से हमने 10% एडमिशन बढ़ाने की मांग की है। प्रिंसिपल सर का कहना है कि हमारे पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो हमने सर से ये भी मांग की है कि जो ये नई बिल्डिंग बनी है ये काफ़ी टाइम से इसको चालू नहीं किया गया है, अगर ये चालू हो जाए तो कुछ बच्चे यहाँ शिफ्ट हो जाएँ, कोई बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और एक निवेदन और किया है और चेतावनी भी दी है कि किसी नेता के दबाव में, किसी बड़े आदमी के दबाव में किसी उस बच्चे का एडमिशन ना हो जिसकी परसेंटेज कम है और ज़्यादा परसेंटेज वाला वंचित रह जाए। एडमिशन में बिल्कुल सही प्रोसेस होनी चाहिए। अगर हम लोगों को NSUI को, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, अगर एक भी ऐसा गड़बड़ घोटाला लगा कि किसी 35% या 40% वाले का हो गया और कोई 55% वाला रह गया, तो उसके लिए हम बहुत भयंकर उग्र आंदोलन करेंगे, कॉलेज बंद करेंगे और इसके जिम्मेदार प्रचार महोदय जी। पुलिस विभाग ने अपनी पुलिसिंग को सुधारने के लिए एवं किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार किया खुद का मोबाइल वैन। इस मोबाइल वैन की खासियत ये रहेगी कि इसमें चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं जो किसी भी धरना प्रदर्शन रैली या अन्य जगहों पर उपयोग में लाया जा सकेगा। इस वैन में आधुनिक कैमरों को भी लगाया गया है जो दूर दूर तक की वीडियो फोटोज आसानी से ले सकेगी। आशा जताई जा रही है कि इस वैन के उपयोग से अपराधियों एवं अपराध करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर काफी हद तक शिकंजा कसा जा सकेगा। थोड़ा मूवमेंट करवाना आगे पीछे ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया यार, इसमें खोपड़ी घूम रही है। और घुमा ये जुलूस, रथ यात्रा वगैरह हर जगह यूज़ होगी। इसमें 3 फिस्ट कैमरे हैं, एक PTZ है, पैन टिल्ट जूम कैमरा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 मेगापिक्सल का है, 100 मीटर तक डिस्टेंस कवर करेगा, 100 मीटर इसका जूमिंग पावर है। आज अब SP साहब बताएंगे आज। अच्छा, तो मतलब ये जैसे जन आशीर्वाद यात्रा उसको लेके ही भी? नहीं नहीं, ये जन आशीर्वाद से कोई संबंध नहीं है इसका। अच्छा, ये अच्छा। पुलिस विभाग का एक नया टेक्नोलॉजी की तरफ एक कदम है जो जुर्म रोकने में हेल्पफुल होगा। आशा कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज फिर प्रदर्शन करने निकली। C2 के बैनर तले होने जा रहे इस प्रदर्शन को पुलिस ने असफल कर दिया। यह प्रदर्शन पेट्रोल पंप के पास स्थित रेस्ट हाउस से शुरू होकर रैली के रूप में शहर से निकलना था, जिसे पुलिस प्रशासन ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी के साथ वहां मौजूद सभी आशा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया, हालांकि उन्हें वहीं पर जमानत देकर छोड़ भी दिया गया। Thank you.
पुरस्कार जिनको अवार्ड मिला है अच्छे काम के लिए उनको नोटिस दिया है, ये करती है शिवराज सिंह चौहान। ये CITU किसान सभा और खेत मजदूरों का संयुक्त पूरे देशव्यापी आंदोलन है और ये मांगे जो मोदी सरकार ने वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए, वहीं राज्य सरकार की जो मांगे हैं वो आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ये 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए फसल का। ये तमाम मांगों को लेकर सत्याग्रह पूरे देश में हो रहा है। गुना में भी ये सत्याग्रह आंदोलन किया, मगर ये सत्याग्रह को कुचलने के लिए ये प्रशासन ने या पुलिस को आगे कर दिया, ये टकराव की स्थिति पैदा की है, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की है, मगर ये यहीं पर ये समस्त हमारे मेहनत कश वर्ग की गिरफ्तारी की जा रही है। ये आज गिरफ्तारी है, पूरे देश में भी हो रही है। 5 सितंबर के दिन दिल्ली की संसद को घेरने का आह्वान है, ये तमाम मेहनत कश वर्ग दिल्ली की संसद को घेरने के लिए भी पहुंच रहा है। आज चूँकि पूर्व से भारत बंद का एक तथाकथित आयोजन किया जा रहा था, इस संबंध में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और DM साहब द्वारा 144 धारा लगाई गई थी, और चूँकि CITU के कार्यकर्ता यहां सब एकत्रित होकर रैली निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो शहर की कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारियाँ इनके द्वारा स्वेच्छा से दी जा रही है। अम्बेडकर भवन की रैली के बारे में जानकारी मुझे अभी नहीं है, मैं खड़ा हूँ राजमंडी में, तो यहाँ CITU के कुछ कार्यकर्ता जो है महिलाएं हैं विष्णु शर्मा के नेतृत्व में यहाँ से रैली निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको यहाँ रोका गया है, चूंकि धारा 144 से यहाँ लगा दी गई DM साहब द्वारा, उनकी गिरफ्तारियाँ यहाँ पे की जा रही है। तो सर उनकी रैली भी रोकी गई है? हाँ, उनकी भी रैली, कोई भी रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा। एक निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला की मृत्यु हो जाने के बाद आक्रोशित घर वालों ने निजी अस्पताल में मचाया उपद्रव। जैसे ही इसकी सूचना थाना प्रभारी को मिली तो वह तुरंत अपने दलबल के साथ उस निजी नर्सिंग होम में पहुंच गए, जहां उन्होंने बातचीत से मामला सुलझाया। हालांकि अभी तक इस मामले में मृतक महिला के परिजनों की तरफ से कोई आवेदन पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर सीरियस हालत में भर्ती हुई थी, उनका 2 बच्चे थे, चूँकि 5 साल से इलाज के बाद मैंने भी इलाज नहीं पता कर लिया, उनको डिलीवरी उनके बच्चे हुए थे, तो अकेले ऑपरेशन हो गया, डिलीवरी हम दोनों बच्चे स्वस्थ रह गए, लेकिन माँ को सीरियस होने की वजह से माँ की हालत बुरी हुई, माँ ख़त्म हो गई। उसके बाद 7 वाले तो कल हमको मिठाई खा रहे थे, आज बड़े लोग बुला के और लोग जो असंहित तत्व आ गए उन्होंने मारपीट शुरू करे, हम लोगों से भय बताने लगे, तो हमने DA साहब को इन्फॉर्म करा, DA साहब ने हल्के हल आके पूरे मामले को उनको समझाया, सब कुछ हमको भी समझा के पूरी सही जानकारी दी। उस हॉस्पिटल में एक यहाँ की रेगुलर पेशेंट इशरत जान, उनका इलाज चल रहा था इंफर्टिलिटी का और डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे, कल वो एडमिट हुई थी, डिलीवरी होना थी, डिलीवरी होने के बाद आज उनकी तबीयत गड़बड़ होने से वो एक्सपायर हो गई, तो यहाँ उनके जो परिवारजन थे उनको आक्रोश आया और थोड़ा गुस्से में लोग आ गए थे, और हमको सूचना मिली तो हम लोग आ गए और सभी लोग यहाँ से समझाए देते रवाना कर दिया, उसके परिवारजन भी मृतक के परिवारजन भी यहाँ से चले गए। भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। समर्थन मूल्य खरीदी एवं समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीयन किया जाना था, जिसमें 2018 में चना सरसों मसूर का पंजीयन की अधिकारियों द्वारा जांच कर जो फसल समय सीमा 9 जून तक तुलवाई गई थी, 2 महीने से अधिक हो गए हैं पर अभी तक इनकी फसल ऑनलाइन नहीं हुई, इससे किसान भारी परेशान हो रहे हैं। एक तरफ तो मंडी प्रशासन द्वारा किसानों का चना वापस करने की बात कही जा रही है, इस बात से नाराज भारतीय किसान संघ आरोन द्वारा धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। फसल गई थी भाई, किसान है हमें अपनी बात कहने में, अपनी भाषा कहने में क्या लग रहा हूँ, तो हमें अपनी बार बात कहना चाहिए कि प्रजातंत्र में यह जरूरत है, वो कह रहा है कि हमें
इन घटनाओं से मैं भी कुछ समय जो हमने निश्चित किया है उस समय के रहते यदि शासन प्रशासन की तरफ से हमारे किसानों के प्रति दुर्गुण रवैया अपनाया जाता है तो भारतीय किसान संघ बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने को विवश होगा। वो आंदोलन अनिश्चितकालीन किसी भी स्थिति पर जा सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसका स्वरूप उसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। आज का जो आंदोलन था ज्ञापन था वो तीन मांगों को लेकर था मुख्यतः। इसमें 2017 खरीफ फसल का जो फसल बीमा है वो R1 तहसील में मात्र 9 पंचायतों को मिला है और बीमा न मिलने का मुख्य जो कारण है वो हमारे जिले की स्टैंडर्ड उपज जो है खरीफ फसल की वो पर हेक्टेयर 16 कुंटल है और 3-4 साल से जो हमारी उपज जो है वो कम हो गई है। तो अगर 60% से उसको साधन उठा दी है तो वो क्रॉप कटिंग के आधार पर वो 60% सही आती है तो उसके आधार पर तो बीमा मिलेगा ही नहीं किसान को। तो हमारी मांग शासन से ये है कि जो वर्तमान में जो उपज है उसके आधार पर बीमा की रिपोर्ट तैयार की जाए। प्रमुख रूप से हमारी भावांतर चना मसूर की जो समर्थन मूल्य पे खरीदी थी ऑनलाइन टोकन होने के बाद भी साइड बंद होने की वजह से जो चढ़े नहीं और अब सरकार का और संचालकों का कहना है कि चना वापस किया जा रहा है, वो भी चना सड़ा भुना चना किसानों को वापस किया जा रहा है जो लगभग 2 माह हो गए, किसान नुकसान हो रहा है। इस संबंध में ज्ञापन तहसीलदार को देना था। दूसरा, दवाइयों की अधिकता होने की वजह से नकली अमानक दवाई बाजार में प्रचलित हैं। तीसरा, हमारी जो धानावारी के लिए जो अगस्त माह तय है सरकार ने भी अगस्त तय किया है, अगले बीमा के लिए भी 15 अगस्त तय है, मगर पटवारियों का कहना है कि हम सितंबर में करेंगे, हमारा अनिवार्य अभी ये समय नहीं है। दूसरा, पैसे भी किसान के पास चना के नहीं है तो बीमा की राशि भी उन्हें जमा करना है। अगर तो सरकार हमारी राशि दे, चना वापस कर रही है तो चना को वो कहीं भी बेचे, हमें राशि का भुगतान करे, अन्यथा बीमा और हमारी जो बैंक की देनदारियां हैं उनकी संपूर्ण दायित्व तो सरकार ने इस संबंध में आज का हाथ। हारून से हमारे सहयोगी चंद्रेश्वर रघुवंशी की रिपोर्ट। रात भर चली बारिश के बाद गुलाबगंज में एक मकान धराशायी हो गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन मकान पूरा टूट गया। वहीं मकान मालिक के अनुसार उसकी जान बाल बाल बची है। मकान मालिक केवल इसी बात से खुश है कि उसे कोई जनहानि नहीं हुई। सुबह से मतलब क्या है, मतलब सुबह 4 बजे गिरा है ये मकान। वो ये मतलब हवा चल रही थी, उसमें पानी वानी बैठ रहा था उसमें, तो उसमें क्या सामान भी था हमारा, था 60-70 हज़ार रुपये का सामान दब गया, पलंग वलंग गिर गया, वो दब गया उसमें। टंकी मंकी दो दब गई। कितना क्या नुकसान हुआ तुम्हारे? 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका है हमारा उसमें। वो जो मान लो मरने के बाद हम भी बच गए, मतलब ये मान लो। बूढ़े बालाजी मंदिर के समीप रहने वाले एक नाबालिग बालक के साथ वहीं पास में ही रहने वाले एक युवक ने अपाकृतिक कृत्य किया, जिसके बाद उक्त नाबालिग को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। नाबालिग की मां की बात माने तो आरोपी काफी लंबे समय से बालक के साथ ये घिनौना कार्य कर रहा था। वहीं आरोपी ने बालक को कल से अपने घर में बंदी बनाकर रखा था और उसके साथ मारपीट भी की गई। इसके साथ ही अपाकृतिक कृत्य भी करना बताया जा रहा है। नाबालिग ने जैसे तैसे वहां से भागने में सफल हुआ, जिसकी सूचना उसकी मां को लगने के बाद सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई। नाबालिग की मां के अनुसार आरोपी कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। दो आए और दो है ना, उसके बाद ले गए मेरे
मारा भी उसने, नाम क्या था उसका? आगे धुन के अलावा क्या? विशाल धुन के नाम से बुलाते मारा था। मारा आपको? स्कूल से आओ तो स्कूल से खाना खा के नहीं और खेलवे चलो, खेलवे से जाओ पकड़ लेगा नहीं और जा घर लेगा। मैं तो देखने गई नहीं, मैं तो घर पे थी, जा पकड़ के नहीं और जा घर में कंधे काम करवाना और कपलत का घर में बैठ के जैसे ऊपर से छूट के आके नहीं भर के जाके दोस्त के घर गा। उसके घर एक मोड़ा ने बोली मेरे से मोहल्ला के नहीं कहा दीदी कि तुम्हारा लड़का कहाँ आएगा बड़ा, इनकी भैया जहीं खेल रहा होगा मेरी अब हल खाना खा था कहीं नहीं कहीं वो इतने से रोके आ रहा था भाई। दो साल पहले जाने ना चक्कू मारने की धमकी दी हमारे दरवाजे के पीछे ही साइड पर इतनी रोड भाई कहीं तो है ना अगर तू तेरी मम्मी से कहेगो तो मैं तो जान से ख़त्म करता हूँ। तो जब है ना जान सबने समझा था तो फिर जो अब फिर दो बार किसी बात कर अल्लाह जो कच आते हमारे साथ रिपोर्ट लिखाई इसकी रिपोर्ट लिखा दी सर इस क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई सर, वो तो बंद कर लिया उसे बस। बंद कर लिया? बंद कर दिया, नाबाल गेम कर दिया, पेपर हैगा हाथ में। अच्छा हाँ, पेपर में 17 साल लिखा दी उसकी, वो हैगा कम से कम 24-25 साल का। कब की घटना आज है? कल की। कल की डिजियाना की खबर का असर। झागर ग्राम की जो डीपी करीब 2 माह से बिजली गिरने के कारण खराब हो गई थी, अब उसे बिजली विभाग द्वारा बदल दिया गया है। इससे ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। डीपी सही हो जाने से अब घर भी रोशन हो सकेंगे। वहीं दूसरी ओर संतोष ओझा का बिल जो करीब लंबे समय से आ रहा था, वो भी बिना बिजली के, उसे भी माफ कर दिया गया है। उसका बिल करीब 55,118 रुपए था, जो खबर लगने के बाद विद्युत विभाग ने माफ कर दिया। ये डीपी बदल गई है तो अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी और पसीने के कारण अभी हालत खराब थी, अब थोड़ा सुकून है। तो आप खुश हैं? आप हाँ बिल्कुल खुश तो हैं। कितने दिनों में बदली है सर? इसको 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में आज जाके बदली है। हमारी खबर चलाई उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि उसके कारण ही ये ट्रांसफार्मर जल्दी बदल पाया। वैसे तो शायद और भी ज़्यादा टाइम लग जाता, पर डिजियाना न्यूज़ की वजह से जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से शायद ट्रांसफार्मर जल्दी बदल गया, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं डिजियाना न्यूज़ और उसकी पूरी टीम को। झागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। मानस भवन में चल रही संगीतमय श्री राम कथा, ये राम कथा विख्यात कथावाचक डॉक्टर सुमन भैया जी महाराज द्वारा की जा रही है। भैया जी महाराज राम कथा अपने ही अंदाज में कहते हैं, जिससे सुनने वाले श्रोता भक्तगण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भटकूंगा कहीं तो माँ हमसे मिल जाएगी, फिर क्या कहना है प्रबंध में काव्य कला खिल जाएगी। करूं राम गुण गान सदा ऐसा मुझ में चाव भर, जो रामायण तुमने लिखवाई, रामायण तुमने लिखवाई, तुलसी को सम्मान दिया, कवि के मन मंदिर में जाकर राम भक्ति का दान दिया। ओ ईश्वरी नंदन को न्यूज में आज
बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।